संगवारी मन सब्सक्राइब करा सीजी टेक चैनल ला और बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले मोर संगवारी मन देख सकें। आज के जो वीडियो हवा ये डिजी लॉकर ऐप के बारे में हवा। ये जो डिजी लॉकर ऐप हवा ये गवर्नमेंट वेरीफाइड ऐप हवा। ये ऐप है गवर्नमेंट के बहुत सारे विभाग से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप मन के पैन कार्ड के लिए इनकम टैक्स विभाग से जुड़े हुए हैं, लाइसेंस के लिए आरटीओ विभाग से जुड़े हुए हैं, मार्कशीट वगैरह के लिए आप मन के शिक्षा मंडल से जुड़े हुए हैं, ऐसे करके बहुत सारे विभाग से ऐप है जुड़े हुए हैं। ये ऐप से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप मन डाउनलोड करता, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस वेरीफाइड वाला डाउनलोड करता, तो अपन आरटीओ वगैरह में अगर चेकिंग वगैरह होता है तो मोबाइल दिखा के आप मन छूट सका था। एकर अलावा आरसी बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब डिजिटली अपन डाउनलोड कर सका था। तो कैसे डाउनलोड करना है पूरा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं, तो वीडियो ला शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए। और वीडियो स्टार्ट करे से पहले अपन से गुजारिश है कि मोर वीडियो ला लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे ताकि मैं ऐसा ही वीडियो अपन के पास लाते रहूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर थी। सबसे पहले आप मतलब प्ले स्टोर ओपन करे ले पड़ी। ये मैं प्ले स्टोर ओपन कर दें। अब ऊपर में सर्च इंजन में जाके आप मतलब डिजी लॉकर टाइप करे ले पड़ी। ये मैं डिजी लॉकर टाइप कर देवा था। ये डिजी लॉकर टाइप कर दें। अब ऊपर में एक डिजी लॉकर के लोगो आ गए, वाला मैं क्लिक कर देवा था या फिर डिजी लॉकर सर्च कर दूँ। ये डिजी लॉकर आ गए। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट एला इंस्टॉल कर ले हूँ, चूँकि मोर में पहले से इंस्टॉल हो चुके हैं, तो मैं यहाँ से ओपन कर दें। अब जो पहली बार यूज़ करी तेला साइन अप करे पड़ी, और जो यूज़ कर चुके होला साइन इन में जाए पड़ी, तो मैं साइन अप में जा। साइन अप में जाए के बाद आप मन से मोबाइल नंबर मंगी, तो आप मन यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दे। मोबाइल नंबर जैसे ही डालिया ओटीपी जा है उमा, तो ओटीपी ले नीचे में डाल दे। ओके, और बाद वेरीफाई कर दे। तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल के वेरीफाई कर दें। यहाँ पर आप मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेल पड़ी, तो आप मन यूज़र आईडी चाहे ईमेल आईडी ले बना सका था या मोबाइल नंबर ला। पासवर्ड क्रिएट करे के बाद साइन अप ला क्लिक कर देना है अपन ला। साइन इन वाले पेज में आके आप मन डायरेक्ट साइन इन कर लिया। जैसे ही साइन इन करिए इस टाइप के इंटरफेस आ है। सबसे पहले अपन देखिए सबसे ऊपर में जीरो डॉक्यूमेंट्स इशू दिखाता है, मतलब अभी अपन के पास कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है। नीचे में डिजिटल आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और पेन वेरिफिकेशन दिखाता है। तो सबसे पहले आप मतलब आधार ला वेरीफाई करे पड़ी, तो गेट योर डिजिटल आधार कार्ड ला क्लिक करे पड़ी। लिंक आधार कार्ड कहा था, यहाँ पर आप मतलब अपन आधार कार्ड ला लिंक करे पड़ी, तो लिंक नाउ में क्लिक कर देना है अपन ला। अब यहाँ पर आप मन के आधार नंबर पूछें, आप मतलब अपन आधार नंबर डाल के कंटिन्यू कर देना है। और जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं वो मोबाइल में आप मन के पास एक ओटीपी जा है, वो ओटीपी डाले के बाद आप मन के आधार वेरीफाई हो जाए मिले। आधार वेरीफाई होते ही आप मन के आधार लिंक ना वाला ऑप्शन है हट जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपन पूरा डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर 6 डॉक्यूमेंट्स दिखाते रही सवे, जैसे कि आधार कार्ड, 10वीं मार्कशीट, आरसी बुक वगैरह सभी दिखाता है। अब यहाँ पर देखिए आधार कार्ड मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे में डिजी लॉकर वेरीफाइड कहते हैं, मतलब ये आधार कार्ड मैं कहीं पर आईडी प्रूफ के लिए यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें एड्रेस वगैरह सब लिखे हुए हैं। वैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस में भी सब डिजिटल वेरीफाई है डिजी लॉकर के। आप मन के पैन कार्ड में भी डिजिटल वेरीफाई है डिजी लॉकर के। तो ये आईडी वगैरह मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। आरटीओ वगैरह में भी, लाइसेंस वगैरह मैं शो कर सकता हूँ। आरसी बुक वगैरह भी मैं कहीं पर भी शो कर सकता हूँ, जहाँ पर होकर ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे इंपोर्ट करना है वो मैं आप मतलब बताता हूँ। तो यहाँ पर नीचे में सर्च वाला ऑप्शन है, या फिर यहाँ पर गेट इशू डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन है, ये मैं जाना है आप मतलब। और पूरा विभाग मिल जाए आप मतलब, जैसे UIDAI के हवा ऊपर में आधार कार्ड वाला, वहाँ पर आप मतलब आधार कार्ड तो ला सका था, चूँकि पहले से रजिस्टर्ड है तो लाए ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ पर आपन 10वीं 12वीं के मार्कशीट वगैरह ला सका था, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह के हवा। और ओकर बाद आपन अपन ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, पैन कार्ड के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपन के आरटीओ विभाग है जो सबसे नीचे साइड में आपन ला मिल जाए। यहाँ पर इनकम टैक्स वाला ऑप्शन ला क्लिक करा था, तो यहाँ पर पैन वेरीफिकेशन रिकॉर्ड दिखा था। तो वहाँ पर सिंपली अपन ला अपन डेट ऑफ बर्थ तो अपन के लिखे हुए पेन नंबर डाल देना है, और पेन कार्ड के अनुसार अपन के जो नाम रही सोला डाल के वेरीफाई कर दे, तो अपन के डॉक्यूमेंट्स वो मेरे इंपोर्ट हो जाए, डिजिटली इंपोर्ट हो जाए, तो अपन कहीं पर भी ओला यूज़ कर सका था। ऐसे ही करके अपन बहुत सारा अपन जो जो ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स हैं
आरसी बुक वगैरह हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, पैन कार्ड हो गए और मार्कशीट वगैरह आप मन डायरेक्ट ला सका था। होकर यूज़ जहाँ पर आप मन जरूरत पर ही यूज़ कर सका था। यहाँ पर मैं एक ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट वाला है। यहाँ पर आप मन के आधार के अनुसार नाम दिखा दीस, फिर फादर्स नेम डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर आरसी बुक के लिए, फिर वो डालिए, आप मन के आरसी बुक वगैरह डाउनलोड हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप मन डिजिटल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स ला आप मन डाउनलोड कर सका था। डाउनलोड पीडीएफ दिखा था, तो वाला क्लिक करिए तो आप मन डाउनलोड भी कर सका था। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड के ऑप्शन मिल जाए, अलग अलग फाइल में आप मन डाउनलोड कर सका था। पीडीएफ हो गए, एक्सएमएल हो गए, कोई डॉक्यूमेंट से पीडीएफ में डाउनलोड हो है, कोई एक्सएमएल में अपन डाउनलोड कर सका था, मतलब दोनों ऑप्शन मिल जाए। अब यहाँ पर अपन प्रोफाइल वगैरह ओपन करके देख सका था, पूरा अपन के आधार जो लिंक रही से होकर अनुसार वो प्रोफाइल है सेटअप हो जाते हैं। यहाँ पर अपन सेटिंग में जाके अपन 4 अंक के कोई भी पिन वगैरह सेटअप कर सका था, ताकि ऐप ओपन करे के टाइम पिन मंगी था अपन यूज़ कर सका था। और एक अलावा आप मन कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अलग से अपलोड करना चाहता, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाके आप मन कोई भी डॉक्यूमेंट्स बाहरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सका था। तो यहाँ पर आप मन के पास अपलोड वाला ऑप्शन आ जाए, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर यहाँ पे मिलत नहीं है तो अपन बाहरी अपलोड कर सका था। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है ये वेरीफाइड नहीं हुआ है, मतलब इला आप मन यूज़ नहीं कर सका। कहाँ पे जहाँ पे आप मन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगी वहाँ पे आप मन एला शो नहीं कर सका, क्योंकि डिजिटल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स ही मान्य है यहाँ पे। इसी तरह के एक और ऐप हवा एम परिवहन। एम परिवहन ला अपन जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले हो, कल लोगों किस टाइप करी थे वो मैं दिखा देता हूँ, इंटरफेस कैसे रही थी अपन लोग ओपन करके दिखा देवा था। ये ओपन कर देवा था क्योंकि एम परिवहन मोरकर पहले से भी रजिस्टर्ड है, बस असलते में अपन ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक वगैरह बस सेव रख सका था। पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड वगैरह हो गया या अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपन यहाँ पे सेव नहीं रख सका। गवर्नमेंट से मान्य सिर्फ यही दो ऐप है, एक तो डिजी लॉकर हो गया और ये एम परिवहन। एम परिवहन में अपन ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं रख सका और डिजी लॉकर में अपन जितना डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो अस्थायी रूप से भी रख सका था, मतलब अलग से अपलोड करके रख सका था। और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह विभाग से जुड़े हुए हैं वो डिजी लॉकर में ई वेरीफाई करके अपन रख सका था। सड़क परिवहन और राजमार्ग द्वारा इशू सर्कुलर में बताया गया है कि डिजी लॉकर और एम परिवहन वैलिड है। होकर मैं पीडीएफ के लिंक आप मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ, ताकि भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत हो तो आपन ओला शो कर सका था। तो संगवारी मन आप मतलब मोर वीडियो है कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताहा, और मोर ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देहा, और बेल आइकन के जो बटन है वाला क्लिक कर देहा, ताकि हर बार कोई भी नया वीडियो अपलोड हो है तो सबसे पहले आप मतलब जानकारी मिल सकें। धन्यवाद।